हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद में आप सबके बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे थे और कुछ जानकारियां मैंने अमिताभ वाजपेयी मैम से खुद इकट्ठा किया है, खुद मैंने उनसे बात की है और आपके डाउट क्लियर किए हैं, उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे डाउट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो डाउट ये है, आप सबको पूछ रहे हैं कि सर आंसर की, ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगा, ठीक है, उसको लेकर, उसके बाद में रिजल्ट कब आएगा सर, साथ साथ में काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। बहुत सारा काउंसलिंग को लेकर डाउट है कि सर काउंसलिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि ऐसा ना हो कोई डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट ना हो और एट द एंड मेरे पास डॉक्यूमेंट बनवाने का टाइम भी ना बचे। तो इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है कि समय रहते आप डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लें और आपको कोई दिक्कत ना एडमिशन लेने में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि फीस कितनी लगेगी, काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है और अपीयरिंग स्टूडेंट का जिनका रिजल्ट नहीं आया अभी तक उनका क्या करना होगा, मार्कशीट नहीं आया है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखें, कहीं भी स्किप मत करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मस्ट है भाई, ये आपका फ़र्ज है और मेरा फ़र्ज है आपको सही चीज़ें बताना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें बताने से पहले आपको सबसे पहले एक काम कर लेना है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो, आपको पल पल की अपडेट मैं वहाँ पर देता रहूँगा और सारी डाउट आपके क्लियर करता रहूँगा। आप मुझसे जुड़ जाइए वहाँ पर इंस्टाग्राम पर, आप मुझसे समय समय पर पूछ सकते हैं, काउंसलिंग के टाइम में कोई डाउट आए तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। आप वहाँ पर मैसेज करके बात कर सकते हो मुझसे और टाइम टाइम पर मैं वहाँ पर अपडेट भी देता रहूँगा, काउंसलिंग की रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो आपको देता रहूँगा। तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लो, ये मेरा नाम है, आप ये भी सर्च कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए, सब लोग जाकर फॉलो कर लो, या अभी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो वहां पर जाकर, ठीक है, और आगे भी आपको जानकारी यहां पर मिलती रहेगी इंस्टाग्राम पे, तो जाकर फटाफट फॉलो कर लो। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिजल्ट और एडमिट का, ओ सॉरी, रिजल्ट और आंसर की को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर की ऑफिशियल कब जारी होगा, ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर दूं। उसके बाद में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी देना है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो भाई रिजल्ट को लेकर तो सबको पता है, कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन आंसर की को लेकर जानकारी कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता रहा था कि आंसर की कब आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 2 दिन बाद आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 5 दिन बाद आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 10 दिन बाद आएगा, लेकिन मैंने सीधा ये सवाल अमिताभ वाजपेयी मैम से पूछकर आपको जवाब दूंगा प्रूफ के साथ में। तो चलो पहले दिखा देता हूँ अमिताभ वाजपेयी ने क्या कहा मैम ने। तो यहाँ पर देखिए, मैं अमिताभ वाजपेयी मैम से व्हाट्सएप पर समय समय पर उनसे जो भी डाउट निकल के आते हैं आपसे, मैं उनसे क्लियर करके आपको बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कल जब ये पता चला आप शाम को कि बच्चों ने बताया कि सर वहाँ पर बुकलेट में तो 300 नंबर लिखा हुआ था, जबकि पहले से हम लोगों को पता था कि 200 नंबर का पेपर होगा, 400 नंबर का टोटल, लेकिन वहाँ तो 600 का हो गया, 300 का। तो ये चीज़ मैंने शाम को ही मैसेज किया मैम को, रात में ही इस चीज़ को लेकर कि मैम आज पेपर में बच्चे बोल रहे हैं कि बुकलेट में 300 मार्क्स का पेपर आया है लिखा था, तो दोनों पेपर में, जबकि पेपर तो 200 मार्क्स का होता है, तो क्या 300 कर दिया गया है। मैम ने बोला यहां पर सुबह, उन्होंने रिप्लाई किया आज कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी कि इनको पता है, मैम को भी पता है कि हाँ हमने 300 किया है, तो उन्होंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर 600 का बनेगा तो उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से आपको मार्क मिलेंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर ये मैंने मैम से पूछ लिया है, उन्होंने भी इसको माना कि हाँ 300 कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर लिया उनसे। दूसरी चीज मैंने ये देखी अभी सुबह, मैंने थोड़ी देर पहले 11:29 पे पूछा है, देख सकते हैं कि मैम आंसर की कब आएगा, ठीक है, मैम आंसर की कब आएगा, तो मैम ने बताया यहां पर देखो थोड़ी देर पहले इन्होंने रिप्लाई किया मैम ने कि रिजल्ट के साथ आएगा, ठीक है, रिजल्ट के साथ आएगा, पहले नहीं आने वाला है आंसर की, ठीक है, क्लियर। आपको कोई अगर बता रहा है 2-4 दिन बाद आ जाएगा, बिल्कुल गलत बता रहा है और बिल्कुल अनऑथेंटिक न्यूज़ आपको दे रहा है, अपने मन से बता रहा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैम के द्वारा पूछ के बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने खुद साफ तौर पर बताया कि रिजल्ट के साथ आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है, जब आप रिजल्ट देखेंगे अपना तो आपके लॉगिन प्रोफाइल में ही वहाँ पर आंसर की आपका दे दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये तो मैंने मैम से क्लियर कर लिया ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर रिजल्ट के साथ आंसर किया आएगा तो रिजल्ट कब आएगा, तो उसका भी ऑफिशियल चीज आपको दिखाता हूँ, ऑफिशियल ऑथेंटिक चीजें सारी बताऊंगा। ये देखो, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस है और वहां पर आप लोग ये चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, एग्जाम डेट वाली जो नोटिस जारी की गई थी 6 अगस्त वाली, उसमें ही आपका रिजल्ट की डेट बताई गई थी, परीक्षा के परिणाम की घोषणा की संभावित तिथि 27 अगस्त को आपका रिजल्ट आना एक्सपेक्टेड है, संभावित तिथि बताई गई, ये भी ध्यान रखना, कोई फिक्स नहीं है 27 को आएगी, लेकिन ऑफिशियली 27 तारीख को अनाउंस किया गया कि 27 को आएगा, 27 अगस्त को, और जब रिजल्ट आएगा उसके साथ ही, यानी कि 27 तारीख को ही आपको आंसर की भी देखने को मिलेगा ऑफिशियल, तो पहले नहीं आने वाला आंसर की। हमने खैर आंसर की बना दिया, आप लोग चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने बताए थे कि सर ये आए थे उसके सही आंसर आपको बता दिए, आप जाकर मिलान कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आपके रिजल्ट के साथ आएगा जो कि 27 अगस्त तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उसके आगे पीछे भी हो सकता है।
अब दूसरी चीज की रिजल्ट जब 27 का वैसे तो काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग की भी ऑफिशियल डेट दी गई कि ऑनलाइन काउंसलिंग की जो स्टार्ट डेट है वो 1 सितंबर से, अगर 27 अगस्त को रिजल्ट आ गया तो 1 सितंबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या करना है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। पहले आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन के पेज पे जाना होगा, लॉगिन करना होगा, ठीक है, जिससे आपने एडमिट कार्ड निकाला था जिस यूजर आईडी पासवर्ड से वो आपको सेफ रखना है, उसी से लॉगिन करना है आपको। और उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो जिस तरीके से एडमिट कार्ड और एप्लीकेंट डिटेल दिखा रहा था वैसे ही आपको एक और ऑप्शन आएगा वहां पर, तो आप पहले आप लॉगिन करके वहाँ पर रजिस्टर करना होगा आपको काउंसलिंग के लिए। उसमें क्या होता है कि सारा डिटेल आपका फिल रहेगा ऑलरेडी, बस आपको अपना बैंक डिटेल सबमिट करना होता है। बैंक डिटेल आप अपना खुद का सबमिट कर सकते हो और या फिर अपना अपने किसी भी सदस्य का, घर के किसी भी सदस्य का बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। बैंक अकाउंट में आपका पूरा डिटेल डालना होगा, नाम कार्ड यानी अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट डिटेल, ठीक है, अकाउंट का नंबर, ये सारी चीज़ डालने का, IFSC कोड वगैरह डालने के बाद में फिर आपको पेमेंट कर देना है, जिसमें 5750 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही 5750 आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग का, ठीक है, तो फिर चॉइस फिलिंग में जाकर आपको सारे जिस सिटी के जिस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट आपको चॉइस करना है गवर्नमेंट ऊपर कर दीजिए, फिर उसके बाद में प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना। इस तरीके से मैं चीजें बताऊंगा, ये बात की बातें शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि यही प्रक्रिया होगी, मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर, ठीक है। तो देखो भाई, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा था पहले ही, बिल्कुल थर्ड ईयर फाइनल ईयर सबको मार्कशीट वगैरह है आपके पास, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, उनका कोई डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम में नहीं लगने वाला है। लेकिन जिनका अपीयरिंग था, जिनका इस बार अपेयरिंग था यानी फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे थे, आप लोगों ने दिया है उसके बाद में इसको फॉर्म फिल किया है, रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, फाइनल यानी अपेयरिंग में थे, उनको फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए उनके पास, ठीक है, क्योंकि अगर मार्कशीट नहीं रहेगी तो काउंसलिंग नहीं आप करा सकते, चॉइस फिलिंग भी नहीं कर सकते आप। खैर, मुझे जहां तक पता है, मैं मैम से बात करूंगा इसके बारे में, एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि मैम रिजल्ट जिनका नहीं आया है, अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, और अगर 27 अगस्त का रिजल्ट जारी हो, काउंसलिंग स्टार्ट होगा 1 सितंबर को, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। खैर, पहले ही रिजल्ट आ जाएगा उसी के हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाएगा, और ग्रेजुएशन के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, यानी काउंसलिंग से पहले ही आ जाएगा फाइनल को, टेंशन नहीं लेने का। और बाकी डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो आपका एडमिशन के टाइम में ज्यादा डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे आय, जात, निवास, ये सारी चीजें अगर आपका नहीं है बना तो आप बनवा लीजिए, नया रिसेंट का होना चाहिए, 2018 के बाद का होना चाहिए, उसके पिछले पीछे का नहीं होना चाहिए, 2018 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आय, जात, निवास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, समय लगता है 10-15 दिन उसमें, ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको बनवा लो, क्योंकि जो सत्र है वो आपका 6 सितंबर से शैक्षणिक सत्र स्टार्ट कर दिया जाएगा, 3-4 दिन ही कोल काउंसलिंग होगा, पहले राउंड में 1 से 50,000 तक का काउंसलिंग किया जाएगा, रैंक का इसी तरीके से किया जाता है। तो भाई, काउंसलिंग के टाइम में केवल अपेयरिंग वालों को मार्कशीट की जरूरत रहेगी, बाकी जिनका फाइनल हो चुका है कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है काउंसलिंग टाइम। लेकिन जब आप चॉइस फिल कर दोगे, आपको अलाट हो जाएगी कॉलेज, तब आप जब कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए, वहां पर आपको आय, जात, निवास, ये सारी चीज़ें मिलेगी, देनी होगी, वो चीज़ मैं आपको बताता रहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज़ें हो गई भाई, 6 अगस्त से 6 सितंबर से आपका शैक्षिक स्टार्ट होना है, 1 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 27 अगस्त को रिजल्ट आएगा, उसी दिन आपका आंसर की भी आएगा, ये चीजें मैंने बता दिया। 300 मार्क वाला जो लोचा आया था भाई, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया मैम से कि 300 कर दिया गया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से काउंट किया जाएगा। माइनस मार्किंग सेम रहने वाली थी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली माइनस मार्किंग में। अब अगर कुछ भी छूट गया हो, कुछ भी अभी भी डाउट रहेगा हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे, जाइए फॉलो कीजिए, मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।